नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आऊं आपके सामने प्रदीप का न्यू कोर्स केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। इससे पहले हम क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके जो राइटर है वो है एस सी क्षेत्रपाल, एस एन धवन और पी एन कपिल जी। आज इस बुक का रिव्यू करेंगे और इंडिया नंबर वन सेलिंग बुक है या नहीं है इस बात का पता करेंगे। क्या वाकई इस बुक में इतना दम है कि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन करा सकता है, ये भी जांचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस की। दो वॉल्यूम में बुक आती है और दोनों वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो लगभग इनके अंदर 1100 से लेकर 1200 पेज आपको देखने को मिलते हैं। बात करें इसके इंटरनल पैटर्न की तो जो वॉल्यूम वन है उसमें आपको 9 यूनिट देखने को मिलती है और जो वॉल्यूम टू है उसके अंदर 10 से लेकर आपको 16 यूनिट देखने को मिलती है। और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, प्रोसेसेस, बहुत सारी चीजें जो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलती है। तो ये तो है इसमें कंटेंट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के जो मटेरियल है उसकी बात कर लेते हैं, किस प्रकार का चैप्टर पैटर्न इसके अंदर यूज किया गया है। सब पहले पेज की क्वालिटी की बात करें, पेज की क्वालिटी काफी अच्छी है। स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू होता है, जैसे पहला 10th चैप्टर है, सेकंड वॉल्यूम का मैं यहां पर रिव्यू कर रहा हूं, पैटर्न सेम है दोनों में, वॉल्यूम वन में और वॉल्यूम टू में। लेकिन जो सेकंड बुक का उसका रिव्यू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ पैटर्न इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है एज कंपेयर टू फर्स्ट वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका हेलो एल्केन्स एंड द हेलो एरेन्स। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है, उसके बाद यूनिट ओवरव्यू आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक स्टार्टिंग में ही दे दिए गए हैं। आगे चले तो फिर आपको जनरल इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। बीच बीच में आपको जो चीजें जो लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो या तो इटैलिक वर्ड से नहीं तिरछे वर्ड से लिखी मिलेगी या बोल्ड लेटर से देखने को मिलेगी। जो इंपोर्टेंट टर्म्स है और इंपोर्टेंट डेफिनेशन आप देख सकते हैं, हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन यहां से मोटे कलम में लिखी गई है। आगे चले तो आगे आपको डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है। डायग्राम में कोई कंजूसी नहीं की गई है। जहां पर आईयूपीएससी नाम की बात आती है तो इसके लिए प्रॉपर टेबल बनाई गई है आईयूपीएससी नाम देने के लिए, कैसे उनको लिखा गया है। उसके बाद आगे चलेंगे, चैप्टर में काफी अच्छी तरह से चीजों को क्लैरिफाई किया गया है। अगर आप केवल एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है तो सही बात है क्योंकि एनसीईआरटी से पूरा पेपर आपका मिलता है, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनसे ही पूरा पेपर पिछले 10 सालों से मिलता आ रहा है। लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको एक हेल्प बुक की आवश्यकता जरूर पड़ती है और ये उनमें नंबर वन बुक है। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड मैं दो बुक करता हूँ, एक तो मॉडर्न एबीसी प्लस और एक आपकी ये प्रदीप की केमिस्ट्री। आगे चले तो आगे आप देख सकते हैं रिटेन मेमोरी करके ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बीच बीच में देखने को मिलते रहेंगे। आगे चले तो आप देख सकते हैं चैप्टर काफी लेंदी है, मतलब सब कुछ कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिले, आपको सब कुछ मिलेगा। सप्लीमेंट योर नॉलेज, कुछ चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें सप्लीमेंट योर नॉलेज के नाम से उसको दे दिया गया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। आगे चले तो जैसे आपका चैप्टर फिनिश होता है तो उसके बाद शुरू होता है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन है फिर उसका आंसर है, फिर एक क्वेश्चन है फिर उसका आंसर है, और किस एग्जाम में किस सर में पूछे गए हैं वो चीजें भी इसके अंदर दे दी गई है। आगे चले जैसे सीबीएसई सैंपल पेपर 2008 में क्वेश्चन था ये, तो इसी प्रकार जो पीवाईक्यू है वो भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई बुक क्वेश्चन बैंक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीवाईक्यू भी इसके अंदर दे दिए गए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस खत्म होने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज विद आंसर्स, तो आंसर्स भी यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। आप कुछ ना करें तो कम से कम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो करनी ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर इंटेक्स अनसोल्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप देख सकते हैं, जो अनसोल्ड क्वेश्चन होते हैं इंटेक्स में उनका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रॉपरली दिया गया है। आगे चले फिर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। और आगे चले तो सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो पीवाईक्यू है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, सब कुछ। इसके बाद आपको एडिशनल क्वेश्चन मिलते हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग वेरायटी मिलती है, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं जो 2 से 3 मार्क कैरी करेंगे, उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिलते हैं, लास्ट में आपको HOTS मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इनका लेवल थोड़ा सा हाई है। आगे चले
तो उसके बाद आपको कंपटीशन फोकस का नाम से ये पोर्शन देखने को मिलता है, जिसमें स्टार्टिंग में तो सारी थ्योरी समरी इकट्ठी की गई है जहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होते हैं, एक क्वेश्चन चार ऑप्शन, और किस सन में और किस एग्जाम में पूछे गए थे वो भी आपको इनके सामने देखने को मिलता है। कमाल की बात है कि इन क्वेश्चंस के आंसर इनके नीचे ही देखने को मिलेंगे। जैसे इस पेज पर 36 से लेकर 44 तक क्वेश्चन है, 45 आधा अगले पेज पर चले गए, तो 36 से 44 तक के आंसर आपको यहीं पर नीचे देखने को मिलेंगे। आगे चले तो आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनका एक से ज्यादा आंसर हो सकता है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है वे देखने को मिलते हैं। मैचिंग टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलते हैं, और लास्ट में आपको इनके हिंट्स और एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ आठवा नोवा नहीं दिया है तो नोवा थोड़ा ईजी है, तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जैसे ही आप लास्ट में पहुँचते हैं और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद आपका मॉक टेस्ट शुरू होता है चैप्टर वाइज, मतलब इस चैप्टर का मॉक टेस्ट जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद की कि आपने कितना सीखा इस चैप्टर से। तो आप देख सकते हैं 110 पेज पर लगभग पहला चैप्टर आया, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर सब कुछ कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें ही दी गई है, सब कुछ कवर किया गया है, लेकिन आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना होता है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको इसमें मास्टरी हासिल करनी और एक लाइन आप इसमें स्टडी करें। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसमें आपको केवल सिलेक्टेड पोर्शन ही पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग योर सिलेबस, अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग योर पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। इधर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, उसमें भी सेम पैटर्न यूज किया गया है, आप देख सकते हैं सेम पैटर्न यूज किया गया है। अगर लास्ट में हम चले इस बुक के और लास्ट में देखते हैं लास्ट में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती है। जो सबसे पहले अपेंडिक्स एक में आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस आपको देखने को मिलते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो ए से स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, देखो कितने बार ये एग्जाम्स में आया हुआ है वो सब दिया गया है। तो लास्ट के जो ये एक तरह से समरी मान लीजिए आप, तो पेपर की रात इनको तो रिवाइज करना ही करना है। कुछ चीजें ऐसी है जो बार बार रिपीट होती रहती है आपके एग्जाम में, तो वो तो आपको करनी ही करनी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आती है डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, अंतर दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं। और आगे चले तो आप देख सकते हैं कितनी बार ये चीजें पूछे गई है एग्जाम में। टिपिकल अल्फाबेटिक एंड एरोमेटिक कन्वर्जन वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं केवल इक्वेशन इक्वेशन है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर फालतू की थ्योरी देखने को मिलती हो, तो चैप्टर में देखने को मिल जाती है ऑलरेडी। यहाँ आपका जो मल्टी स्टेप कन्वर्जन है वो कौन कौन से हो यहाँ पर बताए गए हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको देखने को मिलता है। लास्ट में जितने भी मॉक टेस्ट आपने देखे हैं चैप्टर क्लास में जो आपको देखने को मिले थे, उनके सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इन सब के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका प्रदीप का न्यू कोर्स केमिस्ट्री का बुक रिव्यू। अगर रेटिंग की बात करो तो मैं इसको 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। अब 4 की रेटिंग देने का मतलब क्या है, अगर प्रॉपर गाइडेंस आपके पास, आपको पढ़ना क्या है इसके अंदर, तो 5 में से 5 की रेटिंग के हकदार ये पुस्तक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो उस स्थिति में आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, वहीं पर ये बुक नहीं बता पाएगी कि आपको ये पढ़ना है या आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसका मैं कट करूंगा, अगर ओनली सीबीएसई की तैयारी आपको करनी है तो आपको इस बुक में सेलेक्टेड ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत मोटी बुक है, आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।